हिमाचल प्रदेश में 27 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इस कारण प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। ऐसे में 31 मार्च तक प्रदेश का मौसम खराब रहने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश में मध्य और उच्च पर्वतीय स्थानों पर भी बारिश और बर्फबारी की आशंका है। इस दौरान कई स्थानों पर आंधी चलने और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बुधवार को धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए रहे। मौसम में आए बदलाव में प्रदेश में सुबह और शाम के समय भी ठंडक कम हो गई है। मौसम विभाग शिमला ने 27 से 31 मार्च तक उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित चंबा, शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में बारिश ओलावृष्टि का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि बुधवार को कुछ स्थानों पर बारिश जबकि 28 से 31 मार्च तक मध्य और उच्च पर्वतीय कई स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। वहीं निचले और मैदानी भागों में भी बारिश के आसार हैं। इस दौरान कई स्थानों पर आंधी चलने और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश के ऊना जिले में सबसे ज्यादा तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अभी प्रदेश में एक फीवर डब्ल्यूडी अप्रोच करने वाला है, तो उसके चलते प्रदेश में ऑलरेडी देखिए मतलब क्लाउडिंग शुरू हो चुकी है। और 22 तारीख को जो हमारे हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं और जो मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे एक दो स्थानों में बारिश होने की संभावना है। फिर देखिए 28 तारीख को ये जो रेनफॉल एक्टिविटी है ये पूरे प्रदेश में ही होने की संभावना है। और फिर एक WD प्रदेश को फिर से इफेक्ट करेगा 29 तारीख को। तो इसके चलते देखिए 28 तारीख से लेके 31 मार्च तक ये जो बारिश का जो दौर है ये पूरे प्रदेश में देखने को मतलब मिलेगा। इसके चलते देखिए 28 तारीख से देखिए 28 29 30 31 को जो हमारे क्षेत्र हैं कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की भी संभावना है। साथ में तेज हवाएं भी चल सकती हैं और कुछ एक स्थानों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना है इसी दौरान। और ये जो स्पेल है जो देखिए 28 तारीख से शुरू होगा ये 31 तारीख तक जारी रहने की संभावना है। फिर 1 अप्रैल से जो मौसम में तो थोड़ी कमी आएगी। जैसे ये एक्टिविटी शुरू होगी 28 तारीख से, तो जो हमारे क्षेत्र हैं मिडिल क्षेत्र हैं कांगड़ा है, मंडी, कुल्लू है, बिलासपुर, हमीरपुर, फिर सोलन भी है, सिरमौर, शिमला, तो यहाँ पर देखिए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना जरूर है। और इसके चलते येलो अलर्ट जारी किया है। साथ में ओलावृष्टि भी हो सकती है और तेज़ हवाएं भी चल सकती है। और देखिए 30 तारीख को जो कुछ एक क्षेत्र है हमारे चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी, यहाँ एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है और इसके लिए अभी अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV।